अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं ओमकार सजग बुद्धि और चेतना से जगत की गतिविधियों को देखने समझने वाले प्राणी जानते और मानते हैं कि मैं समय की गतिशीलता में व्याप्त एक सचेतन झंकार हूं। मैं ओंकार हूं। समय की गतिशीलता, परिवर्तन और निरंतरता में कभी कोई शक्ति बाधक नहीं हो सकी है। परिवर्तन में अवरोध करने का प्रयत्न जब जब किया गया है, तब तब गतिशीलता ने अवरोधकों को मार्ग से हटाकर परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। देवी, हम नंदी तथा अन्य शिवगणों को बताए बिना ही कैलाश से चले आए। उचित तो यही होता कि हम उन्हें बता कर आते। क्या अंतर पड़ता है स्वामी? उन सभी को आपके वियोग का अनुभव है, अतः वे स्वयं ही समझ जाएंगे कि आप किसी विशेष कार्यवश ही गए हैं। फिर नारद जो हैं, वे उन पर सारी स्थिति स्पष्ट कर ही देंगे। माता, भोलेनाथ की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता। नारद, तुम यहाँ? नारद, हम जानते थे कि तुम अवश्य हमारे पीछे आओगे। अपने से बड़ों के पीछे रहने में ही छोटों का हित और लाभ है भोलेनाथ। वैसे संदेश आप तक पहुँचाना ही था, यदि ना पहुँचाता तो आप मुझे कर्तव्य विमुख कहते। नारायण नारायण। कैसा संदेश नारद? संदेश भोलेनाथ तक पहुंच चुका है माता, और वे उसी के अनुसार गतिमान भी है। अब आपको बताने का कोई अर्थ ही नहीं रहा माता। नारद के शब्द जाल में ना आना देवी। सत्य तो ये है कि नारद हमारे साथ कार्तिके से मिलने जाना चाहते हैं, इसीलिए हमसे यहाँ मिले हैं। पर नारद, जब तुम कार्तिके से एक बार मिल चुके हो तो फिर हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? सत्य तो यह है भगवान, कि किसी को अकेले मिलने पर वो प्रभाव नहीं पड़ता जो उसके माता पिता को साथ लेकर मिलने पर पड़ता है। अच्छा, तो तुम कार्तिके पर अपना प्रभाव डालने के लिए हमारे साथ आ रहे हो? नहीं भगवान, कदापि नहीं। मूल सत्य यह है कि मैं माता पिता और पुत्र का मार्मिक मिलन अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और बहुत दिनों से मन में ये कामना भी थी कि आप दोनों के साथ कैलाश से बाहर जाकर कुछ समय व्यतीत करूं। सावधान नारद, अवसरवादी होने से बचो। जगत के गृहस्थ प्राणियों के लिए अवसरवादिता दोष होती होगी भोलेनाथ। मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी, मुझे कैसा भय, तो मैं चलूं आपके साथ। क्यों देवी पार्वती, पुत्र और माता पिता के इस मिलन के मध्य नारद का आना तुम्हें भला लगेगा? स्वामी, नारद तो कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही आपको पुत्रवत प्रिय रहे हैं, इसलिए इनको साथ ले जाने अथवा न ले जाने का निर्णय तो आपको ही करना होगा, मुझे नहीं। देखा नारद, देवी पार्वती भी तुम्हारी लीला के प्रभाव में आ गई। मैं जानता था कि तुम अपनी बात मनवा कर ही मानोगे। चलो आगे बढ़ो। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। अई मुनिवर, आप ये हमारा मुरुगन स्वामी को कैलाश से इधर में लाए,
आप कृपा नहीं करते तो हम कैसा मुर्गुन स्वामी का दर्शन करते। आई मुनिवर, बोलो ना, सुब्रमण्यम स्वामी किधर को है जी? आएंगे, शीघ्र आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वे 15 दिन के लिए एकांत तपस्या के लिए जाते हैं और हर अमावस और पूर्णिमा को दर्शन देने के लिए आते हैं। आज पूर्णिमा है, वे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान कार्तिकेय की जय! भगवान कार्तिकेय की जय! भगवान कार्तिकेय की जय! मुझे यहाँ आने में तनिक विलंब हुआ और आप सभी को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका मुझे दुख है। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मैं आश्रम से 15 दिन दूर रहा और इस समय आप सभी धर्म और भक्ति के मार्ग का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते रहे। इसका श्रेय हमको नहीं जे, आपको जाता। कारण यह जे कि आपका कृपा ना होता ये सब कैसा होता। मुर्गुन स्वामी, आपने हम सब का मन में धर्म और भक्ति का ऐसा भावना जगाया कि इसके बिना जीवन व्यर्थ लगता। मुर्गुन स्वामी, इसे हम आप ही की कृपा मानते, अभी की कृपा मानते। मुर्गुन स्वामी, भगवान शिव माता पार्वती की जय! भगवान शिव माता पार्वती की जय! भगवान शिव माता पार्वती की जय! आई मुनिवर सुब्रमण्यम स्वामी, आप महान माता पिता की महान संतान है जी। हम सब आपके सामने नतमस्तक है जी, नतमस्तक है। हम तो आपका आरती पूजन करता जी। शिव शक्ति के नेत्र पुंज हो, शिव शक्ति के तुम हो साधन जग मुक्ति के। परम तत्व पर ब्रह्म बालक तुम हो दाता सुखदायक, शालीन ताता परिचय तुम हो। पार्वती
भगवान कार्तिकेय की जय। भगवान कार्तिकेय की जय। भगवान शिव माता पार्वती की जय। स्वामी की जय। प्रभु सुन रहे हैं आप अपने पुत्र की जय जयकार? केवल पुत्र की ही नहीं, साथ में माता पिता की भी जय जयकार हो रही है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें पुत्र की जय जयकार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है। वह पुत्र भी तो धन्य है नारद, जो अपने सत्कर्मों से अपने और माता पिता दोनों को जनमानस के भीतर प्रवेश करवा कर उनकी जय जयकार प्राप्त कर लेता है। माता, सत्य कहा आपने, माता पिता के सत्कर्मों से पुत्र को लाभ होना ये तो सामान्य बात है, किंतु पुत्र की योग्यता से माता पिता का गौरव बढ़ना ये निश्चित ही गौरव की बात है। और गौरव की ही नहीं माता, ये असामान्य सत्य है। भोलेनाथ, क्या आप इसी समय मुरुगन स्वामी कार्तिकेय से मिलना चाहेंगे? मेरी तो यही इच्छा है कि हम तुरंत चलकर अपने पुत्र से मिल लें। मिलन में शीघ्रता का भाव उचित नहीं है देवी, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हम प्रतीक्षा करेंगे कहाँ? मेरा विचार है हमें इन मुरुगन स्वामी कार्तिकेय भक्त भील आदिवासियों के मध्य भील भिलनी बनकर उनकी प्रतीक्षा करना उचित होगा। आपका क्या कहना है भोलेनाथ? नारद, कभी कभी तुम ऐसी बात भी कर लेते हो जिसका समर्थन किया जा सकता है। केवल कभी कभी? क्यों, कभी कभी क्या मैंने अधिक कह दिया? विचार उत्तम है। चलो देवी, पुत्र मिलन के लिए एक नया वेश धारण करें और मुरुगन भक्तों के बीच रहकर उनकी भक्ति का सुख प्राप्त करें। कृपया कर हमें ये बताए उनके दर्शन की रीत कौन सी? नहीं, हमको नहीं मालूम। आई आई, समय यहाँ से निकल गया भक्तो। निकल गया? क्या है, तुम विलंब करके आया? तो क्या अब मुरुगन स्वामी का दर्शन नहीं होने का? होगा, हुई होगा, पर वाट करना होगा। पूर्णमासी और अमावस को ही दर्शन देता, आज तो अभी दर्शन देकर चला गया। अभी अब अगला अमावस तक वाट करना होगा। मैंने बोला था ना कि शीघ्र शीघ्र चलो, पर मेरा बात तो किसी ने सुना ही नहीं। अयो स्वामी, हम तुमको बोला शीघ्र करो शीघ्र करो, हम बोला। तुम दोनों बोला होता तो क्या हम तपस्या में बैठा होता? अच्छा अच्छा, अब विवाद से क्या लाभ, क्या अवसर विवाद से लौट कर नहीं आने का। अच्छा ही बताओ कि तुम कौन सा ग्राम से आया? उसी ग्राम से, समीप वाला ग्राम से। अपने पिता के ग्राम से, समगरपुरम से। हम तीनों समगरपुरम से आया, तीनों मुरुगन का भक्त तीनों। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अर्जुन। हमारा मल्लिका। तुम्हरो? हमारा नाम तुम्हरो। जान लिया ना नाम, अब हम क्या करें, घर को लौट जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। इधर मुरुगन स्वामी का दर्शन करने को आया, अब बिना दर्शन लौट कर जाने को नहीं होता। लौटे नहीं तो क्या करें, किधर जाए? अगला अमावस्या तक हम रहेगा किधर में? हमारे घर को रहेगा। अब तुम इस गांव के ही नहीं मेरा भी पौने हो, आओ चलो मेरे घर को। आपके घर को? हम अपरचित। अयो,
अब परिचित कहाँ रहे? मैं मुर्गुनो स्वामी का भगत और तुम भी उनका दर्शन करने को आया, हम सब एक हैं। हाँ ओ, तो मुरुगन स्वामी ने सभी के मन में एक होने के भावना जगा दिया। अर्जुन जी, शासक को और गुरु का यज्ञ धर्म है कि सबके मन में यज्ञ होने का भावना जगाने का। अय्यो, तुम लोगों के मन में भी मुर्गुन स्वामी का कृपा से ऐसा भावना जाग गया है, तो अब चलो मेरे घर को। हाँ आओ आओ आओ, आओ। अयो पुत्री पल्ली, आई तीनों हमारे पावने मुर्गुन स्वामी का दर्शन को आए, परंतु विलंब हो गया। आई पुत्री, आई मल्लिका, और आई अर्जुन। और ई तुम बरो इनों का सेवक। ई पहुने कभी तक रहने को होना? अगली अमावस तक रहने को होना, मुर्गुन स्वामी का दर्शन करने तक। अब अधिक प्रश्न करने का नहीं, इनका खान पान सुख सुविधा सब तुम पर। हाय बाबा, मैं जबी तक आऊं तभी तक। आता वाला सोमवार को पल्ली का ब्याह होना, आप सभी को ब्याह में भाग लेने को होना। आई तरासू भैया, हम अवश्य आएगा।